तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग आ गए हैं हुसैनगंज में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं हुसैनगंज का भी टूर कराने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हुसैनगंज का सफ़र कराते हैं आपको। और अभी हम लोग हुसैनगंज पहुँचे नहीं, पहुँचने वाले यहाँ से 850 मीटर की दूरी के बाद हुसैनगंज हमारा आएगा। और आपको बता दें, बर्लिंगटन हुसैनगंज में ही है। और यहाँ पर आपको बता दें, हुसैनगंज का जो मेट्रो स्टेशन है वो लखनऊ का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, यानी सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो बना है वो हुसैनगंज का ही मेट्रो स्टेशन है। और हुसैनगंज हम लोग अब आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और आगे के सीन्स आप लोग देख रहे हैं। और हुसैनगंज होटलों का हब भी कहा जाता है, यहाँ पर इतने होटल्स हैं। अब आखिरकार पुराने लखनऊ में आता है ये हुसैनगंज, तो इसलिए बहुत यहाँ पे मतलब हर चीज़ का होटलों का हब तो है ही है। यहाँ पर यूनिवर्सल बुक लाइब्रेरी भी है यहीं पे आके। और उसके अलावा हुसैनगंज में आपको हर तरह के सामान मिल जाएंगे, मतलब आपको कहीं भागने नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। यहीं हुसैनगंज से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सचिवालय हो गया, विधानसभा हो गई, ये सब भी मिल जाएंगे, बहुत डिस्टेंस पर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये अजय खस्ते हैं, लखनऊ के 3 फेमस खस्तों में से एक, जो कि अभी बंद है क्योंकि आज चुनाव के कारण यहाँ पे दुकान बंद कर। हमने सोचा था कि आएंगे तो खुले होंगे तो आपको दिखाएंगे। खैर चलिए, ये देखिए हमारे सामने ये रोड है और ये एक गली है जो कि अंदर जा रही है, जहाँ पे हम लोग भी जा और मेट्रो से भी आप जा सकते हैं अगर आपको सुविधा लेनी है मेट्रो की। उसके अलावा सिटी बस आपको मिल जाएंगी, यहाँ से हर जगह के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ से आपको हर जगह के लिए मेट्रो तो है ही है, उपलब्ध है। और बसेस जो होती हैं कैसर बाग वगैरह से, वो भी इधर ही से आती हैं। तो मतलब आपको हुसैनगंज का समझिए एकदम हार्ट ऑफ द लखनऊ सिटी है। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये सचिवालय है, उत्तर प्रदेश का सचिवालय, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके आगे ये देख रहे हैं आप लोग, विधानसभा की भी बिल्डिंग दिखने लगी है। और हम आपको पूरा दिखाएंगे, एक चक्कर लगा के आते हैं इधर से। और जहाँ पर विधानसभा का ये पूरी बिल्डिंग वगैरह ख़त्म होती है आखिरी में, इस रोड के लास्ट छोर पर, वहीं से अटल चौक आ जाती है, मतलब वहीं पर हजरतगंज का चौराहा का नाम बदल के अटल चौक चौराहा कर दिया गया है, तो वो भी वहाँ पे आ जाता है। तो ये देखिए, अभी हमारे सामने उत्तर प्रदेश की विधानसभा आप देख सकते हैं, उसके आगे जब भी हम आपको लेके चलते हैं और भी सफ़र कराते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का विधान भवन।